कितना पैसा खर्चा करके आया? 4 लाख। 4 लाख कितना होता है? 30 होता है। 30 होता है। आज सही बता। 30 30। ये देख लो, बंगाली बोल रहे 15 15 25। ये क्या बोला? 15 15 30 होता है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल जावेद व्लॉग। तो सुबह का भी बज रहा है 7, वैसे उठा हूँ मैं सो करके 6:30 बजे। तो अभी जाना है हमें लैंड क्रूजर की सर्विसिंग कराने के लिए। तो अभी फ़िलहाल सो कर उठे हैं, बाहर में मौसम तो एकदम ठंडा है। अपना भी रेडी वेडी होकर के एकदम तैयार हैं। आज सुबह सुबह थोड़ी सी चाय हो जाए कि नहीं। कल की वीडियो आप लोगों की ज़बरदस्त लगी, आईफोन वाली, राइट? अगर आपने नहीं देखी तो चले जाइए व्लॉग नंबर 82 देख लीजिए। तो वो रही हमारी पीछे, देख सकते हो उधर लैंड क्रूज़र। तो उसको ही जाकर के सर्विस कराना है। मैं ये तीसरी बार सर्विस कराने जा रहा हूँ जब से मैं आया हूँ। इससे पहले कभी भी जाता था सब, अब मैं अकेले ही जाता हूँ। तो थोड़ा सा आपको लैंड क्रूज़र दिखाएंगे अंदर से और चलेंगे इसकी सवारी करते हुए, इसका रिव्यू देंगे थोड़ा, कैसा लगता नहीं लगता है। वैसे तो सब लोग चला रखे हो, जो भी भाई हो सऊदी अरब के, लेकिन इंडिया वाले भाइयों को नहीं पता ना। बहुत सारे भाइयों का तो शौक है ना, है कि नहीं भाई? तो इसकी सर्विस कराएंगे जा करके और देखेंगे कहाँ पर सर्विस हो रहा है, कैसा सर्विस सेंटर है यहाँ पर। तो फिर बने रहिए हमारे साथ में, हम चाय पी लेते हैं, इसके बाद हम चलते हैं आपको बिस्मिल्लाह करते हुए, क्योंकि 8 बजे खुलेगा शोरूम और यहाँ पर अभी 7:10 हो रहा है। ठीक है, 7:10 या 7:05 हो रहा है। बाकी ड्रेसिंग हो चुकी है, मैंने कल टिकटॉक पे, टिकटॉक चलता है ना सऊदी में, इसके बाद से ट्विटर पे पोस्ट डाल दिया था कि अगर भाई कोई भी खुरेस रोड टोयोटा सर्विस सेंटर के पास में रहता है तो मुझसे आके मिल सकता है। अब जाने के बाद पता चलेगा कि वहाँ पर कितने भाई आते हैं मिलने के लिए, अगर कोई रहता तो मिल लेंगे जा करके। ठीक है ना, करते हैं अनलॉक गाड़ी को, बिस्मिल्लाह। सीट वीट सब सेट करना पड़ेगा क्योंकि सारा सीट वगैरह सबका फील के हिसाब से है। बिस्मिल्लाह। तो बस इस ब्रेक दबाना है, पहले ब्रेक दबा दिए, इंजन स्टार्ट, इंजन उठा, लैंड क्रूजर देख सकते हो, ऑयल मेंटेनेंस रिक्वायर, देखो लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे। तो हम पहले सीट एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे पूरा बटन वगैरह दिया हुआ है सीट एडजस्ट करने का। तो भाइयों ऑल सेट हो चुका है, सीट वगैरह सब अपने हिसाब से एडजस्ट हो गया, हम आराम से बैठे हुए हैं और साथ साथ ही हमने ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि हम सुनेंगे सुबह सुबह नाथ शरीफ सुनेंगे, कुछ कुछ सेकंडों का हम बजाएंगे, बाकी म्यूजिक डाल देंगे क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए हमारे चैनल पे। बाकी बहुत बढ़िया लग रहा है, जब से मैं आया हूँ सऊदी अरब में ये गाड़ी मैंने बहुत बड़ी चलाई है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया। ठीक है, इसके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को शेयर करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर भी एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स में देख सकते हो आप, ये शायद फ्रिज है। तो कूल, देखो लिखा कूल बॉक्स करके यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाकी अपना ऑटोमेटिक गियर, बाकी ये अपना डिस्प्ले स्क्रीन, बहुत बड़ा डिस्प्ले स्क्रीन लग रहा है, देख रहे हैं। अब हम इसमें बजाएंगे नाथ, ठीक है ना, इसमें मैप भी है देखो। नंबर 5 के पास का नियर बाई ये एक मेट्रो स्टेशन है, आप देख सकते हो। अभी ये बना नहीं है, पूरा फाइनल होना बाकी है। आप मेट्रो का ये पूरा पिलर देख सकते हो, दिल्ली की तरह ही है पूरा भाई, लेकिन इसमें बहुत सारी कारीगरी की गई है, देख सकते हो ऊपर में इन्होंने बोर्ड लगा दिया है साइड साइड में जो है पूरा। रोड बेहद खूबसूरत है, देख रहे हो, जबरदस्त बनाया हुआ इन लोगों ने, बहुत खूबसूरत है, रात के टाइम पे और जबरदस्त लगेगा। तो ये अंडरपास है, ठीक है, देखो जबरदस्त अंडरपास इन लोगों ने बनाया हुआ है, क्या बात है, क्या बात है। ओए होए, ओ हो हो हो, मजा आ रहा है ना आप लोगों को देखने में, देख रहे हो फुल हाई क्वालिटी वाली लाइट्स ऊपर, देख रहे हो रेड लाइट हो गया, जो भी बहुत सारे लाइट उन्होंने लगा रखे है, स्पीड सीट बेल्ट का साइन बना रखा है कि सीट बेल्ट लगा करके चलिए। मैं 3rd नंबर पे गाड़ी लेके चल रहा हूँ क्योंकि
पीछे से कोई भी आएगा तो एक नंबर दो नंबर से लेके जा सकता है। कैमरा इंस्टॉल है ऊपर में, हम यहाँ से कर लेंगे लेन चेंज। तो यहाँ से ले लेंगे हम लेफ्ट की तरफ, कुछ ही मिनटों में हम सेकंडों में हम पहुंच जाएंगे, मिनटों नहीं सेकंडों में। 300 मीटर दिखा रहा है, यहीं से एंट्री लेंगे एंट्रेंस। तो सर्विस कराने के लिए हमें यहाँ से अंदर जाना है, आई थिंक अभी बंद है। मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ लेकिन अभी ये यहाँ पर खुला नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 7:47, ये खुलेगा 8 बजने के बाद खुलेगा। बाकी गाड़ी चलाने में भाई बिल्कुल बोलो तो बहुत मजा आया, ठीक है। सिंपल सा स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड लगता है कि हम कुछ चला रहे हैं, है कि नहीं? आपके लेवल सा लगता है कि भाई आप कोई गाड़ी चला रहे हो जिसका कोई अलग ही लेवल है, ठीक है। मुझे मालूम है आप बहुत सारे कमेंट करेंगे, यार आपको पहली बार गाड़ी मिली और आप ऐसे बोल रहे हो। भाई पहली बार नहीं, मैंने बहुत गाड़ी चलाई है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए भाई हमें हर चीज़ बताना पड़ेगा सामने वाले को। आपने चलाई है, हमारे बहुत सारे भाई सपना ही देख रहे हैं कि कभी यहाँ पर आएंगे और ये वाली गाड़ी चलाएंगे। सोच रहे होंगे भाई ये वाली गाड़ी बहुत भारी है चलानी, बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसान है। अपने घर पे जीप चलाए हो ना भाई, कमांडर, बोलेरो, स्कॉर्पियो, बस सेम है, बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है, बस बाकी कुछ नहीं, सब सेम है भाई, सेम बिल्कुल परफेक्ट। एंट्री कर गया हूँ, एंट्री करने से पहले इन्होंने नंबर दिया है 4 नंबर, ठीक है। रूट वाइज बना हुआ है इन लोगों का, कितने नंबर पे आपको जाना है नहीं जाना, देख रहे हो बॉक्स सब बना हुआ है, नंबर वाइज है। वो सर्विस सेंटर की एंट्री है, इन्होंने पोर्टी बिहेट बना रखा है कि अंदर में कोई भी आम आदमी नहीं जा सकता सिवाय काम करने वालों के। वो सामने वाला गैरेज देख रहे हो, गैरेज है पूरा, अंदर में काम होता है। ये बना हुआ काउंटर, मुझे जाना है 4 नंबर काउंटर पे। ये लोग लिखते हैं कि क्या काम है नहीं है, पूरा एक पर्ची बनाएंगे, इसके बाद ये दे देते हैं मैकेनिक को गाड़ी, वो ले जाते हैं अपना अंदर सर्विस करने के लिए। मैंने रात को टिकटॉक पे बता दिया था, मेरा टिकटॉक आईडी देख लो, @JavedVlog। सऊदी अरब में टिकटॉक चलता है, तो आप लोग टिकटॉक चलाते हो तो हमें जरूर यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। गाड़ी की इंस्पेक्शन हुई है, इंस्पेक्शन से फॉल्ट निकला है, ये देख रहे हो टायर, ये टायर खराब है, सर्विस के लिए ये भाई चेक कर रहे हैं पूरा। तो सर्विस में आया भाई, कंपनी है तो बताएगा ही भाई ये खराब है वो खराब है कि नहीं। अभी ये बातचीत कर रहा है ऑफिस में, कंप्यूटर पे बिल विल बना करके देता है पूरा हर गाड़ी का सिंगल सिंगल करके। तो भाई साहब अपने को मिल चुका है पेपर, ये है पेपर सर्विस कराने का। तो गाड़ी अभी हैंड ओवर करेंगे, ये सीट कवर वगैरह लगा रहा है नीचे ताकि गंदगी ना लगे गाड़ी में, अगर कोई मैकेनिक गाड़ी में बैठता है तो सीट कवर लगाएगा अभी पूरा। तो मेरे को आधा घंटा लग गया, गाड़ी देते देते आधा घंटा क्रॉस कर गया, लेके गया गाड़ी वो। अब हम इंतज़ार करेंगे, यहाँ पर कोई भाई मिलने आते हैं तो मिलेंगे। देखो पार्किंग, देखो पार्किंग को कितना बढ़िया सा बना रखा है इन लोगों ने, पेंट वेंट करके अच्छे से, उधर आराम करने का है बैठने का, उधर बहुत अच्छा बना रखा है इन लोगों ने कंपनी। टोयोटा सर्विस सेंटर, ये सर्विस सेंटर है टोयोटा की, खुरेस रोड पर। सर्विस सेंटर के साथ में सास्को का पेट्रोल स्टेशन था महत्ता, वहीं से बकाला से जूस लिया हूँ, एक केक लिया हूँ, खा लेते हैं। लेकिन हमको लेना था चाय, चाय वैसे मैं पी के आया था लेकिन ठंडी लग रही है, क्या करूँ। तो भाई कॉफ़ी की मशीन लगी है, यहाँ पे दाम लिखा हुआ है, 3 रियाल का है, 4 रियाल का है, 5 रियाल का है, ठीक है। इस मशीन से अभी भाई कॉफ़ी देंगे बना करके। तो भाई ये देखो निकलते हुए, बटन दबाते ही तैयार होकर के निकल चुका है, चेक करो ट्राई करो। चीनी वीनी है डाला हुआ इसमें? चीनी तो लगा था इधर की है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई लोग आ जाओ नाश्ता कर लेते हैं, ब्रेड है इसमें, जूस है, और ये रहा गरम गरम कॉफी। तो हम कहीं पर बैठते हैं आराम से, इसके बाद इसकी चुस्की लेते हैं, आइए पीते हैं। ये टोयोटा का शोरूम भी साथ में ही है, बहुत बड़ा, तो यहाँ पे कार सब थी। इसके अंदर मेरे को ऑर्डर मिल गया कि आप घूम घूम के वीडियो बनाओ, सिनेमैटिक शॉट में आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ, ठीक है।
भाई हमारे इमरान भाई आए हैं और सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई जाने वाले हैं घर, तो भाई के साथ बैठते और भाई के साथ वीडियो बनाते हैं गाड़ी में, ठीक है। तो भाई इमरान भाई ये रहे, बहुत दिनों से भाई के पीछे था, रोज मैसेज करता था भाई, रिप्लाई भी करते थे, लेकिन आज मुलाकात होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई पब्लिक को सलाम किया जाए। सलाम अलैकुम जितने भी व्यूअर्स हैं, और 19 तारीख को जा रहा हूँ भाई, भाई और आज जावेद भाई मिल गए, ऐसा मालो सोने में सुहागा हो गया। बहुत बढ़िया हो गया। वो तो सर्विस कराने आया, मैं कहा चलो यार यहाँ पे देखते कोई भाई मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपका वीडियो देखा, कोलगेट कर रहा था, अच्छा तुरंत कोलगेट किया, ब्रश किया, सीधा बोला कि जावेद भाई से मिल के आते, आए मैं तो कहाँ चला गया, ढूंढा फिर रूम पे गया, फिर मेरा नेट नहीं है ना, वाईफाई है, वाईफाई से कनेक्ट होते आपका मैसेज आया, आपने वीडियो बनाया, फिर मैं वापस आया। लेकिन बहुत अच्छा हो गया आप मिल गए जावेद भाई, हाँ यार बस मुलाकात हो गई, अभी बहुत सारे भाई आएंगे फिर पता नहीं अब किधर जाएंगे। हाँ जरूर, मेरी तरह जरूर आपसे मोहब्बत करते हूँ, बहुत सारे भाई आएंगे। तो इमरान भाई हमें अपने रूम पे ले जा रहे हैं, भाई जाने वाले घर पे माशाल्लाह राजस्थान जाएंगे, कहाँ है राजस्थान में? सीकर डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। सीकर डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर में, चलो भाई बढ़िया, क्या बात है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं इमरान भाई के घर के यहाँ पर, माशाल्लाह। तो ये रहे हमारे इमरान भाई। तो राजस्थान वाले भाई जो भी हो, वीडियो पहले लाइक कर देना, भाई के लिए कमेंट कर देना, ये घर भी कर देना, शेयर भी कर देना और भाई को सपोर्ट करो है। तो भाई के घर की एंट्री देखो, एकदम सुपर फाड़ है। सबसे पहले तो बहुत अच्छा सा पौधा लगा है यहाँ पे, पेड़ लगा है फूल का, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है यार, फ्लावर वगैरह देखो, और साफ सुथरा सा एकदम छोटा सा, छोटा मोटा सा घर, रूम एंट्री करते हैं, साथ में यहाँ पे बाथरूम है भाई का, और ये रहा भाई का रूम, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारी लाइफ कुछ ऐसी ही छोटी सी जगह पर सिमट कर रह जाती है, सुबह दोपहर शाम रात दिन जो भी है। तो भाई का बैग तैयार है घर जाने के लिए एक बैग तैयार है, हम लोग भी घर जाएंगे। ये बाकी टीवी वी सब बढ़िया सा भाई का लगा, ये रहा फ्रीज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई रूम कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताना भाई का, और भाई ड्राइवरों की रियल लाइफ यही है भाई, यही है रियल लाइफ। और कुछ भी काम करो बेफिक्र रहो, सैलरी मिल रहा है ना, कोई काम छोटा नहीं होता, शाहरुख खान वाला डायलॉग याद है क्या, ध्यान रखना भाई। क्या सही बात है, कितना साल हो गया यहाँ पे इमरान भाई आपको? भाई मुझे 6-7 साल हो गए यहाँ पे, कपिल वगैरह सब बढ़िया है, बढ़िया लगा जा रहा हूँ, छुट्टी जा रहा हूँ भाई, दुआ करना भाई सही सलामत घर पहुँच जाए। 19 तारीख को जाएंगे, 19 तारीख को सुबह 7 बजे सुबह 7 बजे की फ्लाइट है। तो भाई पहुंच गए लेने के लिए, अच्छा लगा मिल करके, ठीक है, बाकी मजा आया यार। यार आप लोगों की मोहब्बत है जो हम नाचीज लोगों को प्यार कर रहे हो, आप लोग हमारे वीडियो देखते हो। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इमरान भाई, कि हम लोग कितना भी वीडियो कैसा बना ले, और हमारे व्यूअर्स और हमारे जो सब्सक्राइबर, तो मैं बोलूंगा ना हमारे भाई लोग जो वीडियो देखते हैं, अगर उनको वीडियो हमारी पसंद नहीं आए तो फिर वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, आपकी वीडियो में एक रियलिटी होती है, एक मैसेज होता है जो वो हर सब्सक्राइब चाहता है, कि क्योंकि हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं आप हमको सही न्यूज दें। सही बात है, सही बात सही है ना, तो इसलिए भाई आप तो हमारे भाई हो बिल्कुल, और आप मेहमान भी हो। अरे मेहमान कहाँ से, हम तो यही पुराने हैं ना, नहीं फिर भी आप हमारे रूम का है, हमारे लिए बहुत अच्छा लगा। चलो भाई, चलो भाई लेने के लिए आए थे गाड़ी से, तो मैंने बताया ही आपको, चलो बहुत अच्छा लगा इमरान भाई मिल करके। थोड़ा सा हम यहीं पे इंतजार करेंगे, रुकेंगे, क्योंकि 2 बजे हमारी गाड़ी फ्री होगी, 2 बजे है, जिसको मिलना 2 बजे वहाँ पे आ जाना। अरे ये वीडियो तो कल आएगी, चलो भाई ठीक है,
तो क्या बोलना चाहेंगे आप इमरान भाई? मैं तो भाई यही बोलना चाहूंगा, भाई को सपोर्ट करो, भाई की वीडियो को लाइक करो, और हो सके तो भाई मैसेज में कुछ ऐसा लिखा करो, कोई गलती हो रहा हो गलती भी लिखा करो बिल्कुल, लेकिन वीडियो देख के ना कुछ कहा करो, उससे क्या हम लोगों को पता चले, भाई को पता चले, तो प्लीज सपोर्ट जरूर करना भाई। इस घर के बगल में एक भाई है जो यहाँ पे काम करते हैं, कहाँ से भाई आप? बांग्लादेश का। कब आया इधर? इधर डेढ़ साल हो गया। चलो इंडिया वाले आपको देख रहे हैं तो सलाम नहीं करोगे आप? सलाम वालेकुम। बंगाली में कैसे सलाम करते हैं? सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कैसे हाल चाल पूछते बंगाली में? केमन अच्छो, केमन वाले वासन नहीं। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? गाड़ी का वर्कशॉप में काम करता हूँ। गाड़ी का वर्कशॉप में काम करते हैं, बढ़िया है आपका यहाँ पे सब काम? कैसा आपका कफील, काम कंपनी कैसा है? अच्छा है। तो भाई मेरे को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब किए, बोलता मेरे को भी ले लो अपने चैनल पे, हम भी आपके वीडियो में दिखेंगे। अच्छा, तो शादी बना लिया भाई? हाँ, शादी बना लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहली बार आया सऊदी? पहली बार आया। कितना पैसा खर्च करके आया? चार लाख। कितना सैलरी यहाँ पे? सैलरी अभी 1400। मतलब कि आपका 28,000 हो जाता होगा? 28,000 है ना? 28,000। खाना पीना में कितना खर्चा हो जाता है? खाना पीना में 400 खर्चा, फोन तोन खाना पीना में हो जाता है 400। मैं पहला बंगाली देख रहा हूँ जो 400 खर्चा बता रहा है एकदम असली, वरना तो 150 में निकाल लेते लोग, कसम से कह रहा हूँ मैं। 400 तो जाता ही जाता है। बढ़िया है भाई। देखो अभी भाई ने सब्सक्राइब किया था, कहा भाई मुझे भी ले लो अपने साथ में वीडियो में। तो बंधु आपने अपना नाम नहीं बताया। मोहम्मद जमाल मियां। जमाल भाई, दूसरा जमाल इधर है भाई। जमाल भाई का दोस्त मिल गया है, शायद छोटा है उनसे। कितना आपका उम्र कितना है? 30। मतलब शादी जल्दी मना लिया था आप? शादी जल्दी। हाँ, घर पे क्या काम करता था? बिजनेस करता था। हाँ। तो अभी सऊदी में आया तो क्या फायदा लग रहा है या बांग्लादेश में फायदा था? मेरे को बांग्लादेश का फायदा, इधर का नुकसान हो गया। चेहरे पे मुस्कान हो गया। चलो भाई, अच्छा लगा बंधु। सलाम कर दो सबको भाई। सलाम वालेकुम। 15-15 कितना होता है? 15-15 कितना होता है? 15-15 कितना होता है? 30 होता है। 30 होता है, आज सही बताया। 30। ये देख लो, बंगाली बोल रहे 15-15-25, ये क्या बोला? 15-15-30 होता है यार, एक नंबर। मजा आया भाई से मिलकर। चलो बंधु, अच्छा लगा। चलो ठीक है। तो भाई अपना सब कुछ हो चुका है, तो भाई के साथ अभी जा रहे हैं वापसी हम अपने लोकेशन पे जहाँ पर हमने गाड़ी दी है। तो बहुत बढ़िया लगा इमरान भाई से मिल करके। तो इमरान भाई के लिए दुआ जरूर करना आप लोग भाई, 19 तारीख को सफर करने जा रहे हैं घर के लिए, तो राजस्थान जाएंगे भाई। ठीक है भाई, कोरोना का टेस्ट लेकर के जाएंगे इधर से, तो भाई वहाँ पे तो क्वारंटाइन होना नहीं है, दिल्ली जाना है इनको, दिल्ली से राजस्थान जाना है। ठीक है ना इमरान भाई, बहुत अच्छा लगा। और हमें भी बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। राजस्थान से भाई कोई फैमिली मेंबर वीडियो देख रहा है तो भाई को एक अच्छा सा कमेंट करना भाई के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा यार, कफील का रूम इसका बहुत बढ़िया, एक नंबर शांति सा अच्छा लगा, एकदम घर वाली फीलिंग है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, काम वाम सब बढ़िया इनका। ठीक है, चलो इमरान भाई, चलो बहुत शुक्रिया यार, इतना अच्छा टाइम निकाल करके मिलने के लिए यार, मजा आ गया आपके लिए, टाइम ही टाइम है भाई। चलो अब मास्क का सहारा है, क्या किया जाए। जरूरी है भाई। चलो भाई दिखाई, हजार रियाल। तो मैं आ गया इधर एजेंसी सर्विस सेंटर पे, ये गाड़ी सब देख रहे हो, ये सारे सर्विस होकर के खड़े हो चुके हैं। मेरी गाड़ी अभी तक नहीं आई, बताओ, इतना सवेरे आने के बावजूद मेरी गाड़ी अभी तक सर्विस नहीं हुई भाई, बताओ। टाइम हो गया आपको? टाइम देखो 1 बज गया है। तो भाई हम निकल चुके हैं घर की तरफ। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बड़ी गाड़ी लेके गया था, छोटी गाड़ी में कैसे आ गया? तो कफील को तो यहाँ पर आपको पता है कि पेमेंट भी करना था ना गाड़ी का, इसके लिए उन्होंने ये वाली गाड़ी लेकर के आए और मुझे ये वाली गाड़ी दे दी, और बड़ी वाली गाड़ी लैंड क्रूजर वो खुद लेकर के आएंगे अब घर। ठीक है, अपना सर्विस हुआ है क्या हुआ उनको पता चल जाएगा, क्योंकि रेगुलर वो गाड़ी चलाते हैं, है कि नहीं। इसके लिए मैं अब ये गाड़ी लेकर के घर जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो वीडियो है दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ सुबह को, तो आपने देखा पूरा वीडियो, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो आपने जो वीडियो देखा उसमें से मैंने बहुत सारे पार्ट अभी नहीं डाले हैं, जैसे कि जो गाड़ियां सब थी एजेंसी में लगी हुई शोरूम में, तो वो गाड़ियां सब का बहुत लंबा वीडियो बन रहा था, उसका मैं दूसरा पार्ट भी अपलोड करूंगा, सिर्फ गाड़ियों के बारे में होगा जो भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो देखना शोरूम वाले ने कितना अच्छा सपोर्ट किया था मेरे को वीडियो बनाने में।
तो आई होप कि भी आपने वीडियो देखा, अच्छा लगा होगा आपको, बहुत अच्छा लगा मुझे पता है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, अब तक आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, देखो कैसे वहां काम वाम होता है। तो मिलते हैं कल, कल की वीडियो होगी पार्ट टू, जो कि सिर्फ शोरूम का वीडियो होगा, जो गाड़ियां सब होगी, लग्जरी गाड़ियां सब जो भाई खड़ी थी यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने वीडियो शूट किया, तो आप वो वीडियो जरूर इंजॉय करना। ये पार्ट वन था, और पार्ट टू ठीक है सेम टॉपिक पे रहेगा, वही है गाड़ी का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे चैनल पे। तो हम याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, मां सलामा, बहुत शुक्रिया आपका, लव यू यार, लव यू लव यू लव यू। इतना दूर तक अगर आपने देख लिया तो वीडियो को शेयर भी कर दो, लाइक जरूर करके जाना, अल्लाह हाफिज़। और एक छोटा सा कमेंट। Thank you.